हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का IASPSC सॉल्यूशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज सुबह एक सेट लेकर के आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए। फुल लेंथ का टेस्ट होता है ये हमारा। टोटल इसमें 150 प्रश्न होते हैं, हर एक सेट में 150 प्रश्न का ये हमारा सेट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि 12 दिसंबर को आपका प्री का एग्जाम सरस्वती UPSC का होने वाला है, तो इसको ध्यान में रख करके ये सेट लाया जा रहा है। डेली आपका ये सेट होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। और वीडियो में नए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा फास्ट भी हम लोग करेंगे। फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि 150 प्रश्न है, तो 150 प्रश्न में थोड़ा समय ज्यादा लगता है और 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है इसको। तो पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस या जाइलम? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम। जाइलम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम एक उत्तक होता है और इसको बोला जाता है संवहनी उत्तक। संवहन का मतलब क्या होता है? ढोना, ठीक है। तो ये संवहनी उत्तक है, जाइलम जो है वो एक संवहनी उत्तक है। तो ये इसका काम क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से, ठीक है, जड़ों के माध्यम से पानी को अलग अलग भागों में पत्तियों तक लेकर के जाते हैं। अलग अलग भागों में जल का परिवहन ये जाइलम करता है। तो एक चीज ऐसे भी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि ज से होता है जल और ज से हो गया जाइलम, ठीक है। तो जाइलम और जल जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है। तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक फ्लोएम भी तो है ना, एक यहाँ पर फ्लोएम भी तो है, तो फ्लोएम क्या कार्य करता है? ये पौधे में ही होता है, फ्लोएम उत्तक भी पौधे में ही होता है, लेकिन इसका कार्य क्या है? इसका काम होता है कि हमें पता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये जो भोजन पत्तियां तैयार करती हैं, ठीक है, जो लीव्स होती हैं, ये पत्तियां अगर भोजन तैयार करती हैं तो यहां से पत्तियों के माध्यम से अलग अलग जगहों में, पौधे के अलग अलग भागों में भोजन को पहुंचाना, ठीक है, भोजन के पौधों के अन्य भागों में भोजन को पहुंचाना ये काम होता है। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों संवहनी ऊतक ही हैं, दोनों का काम है ढोना, लेकिन एक का काम है तुम पानी ढो और हम खाना ढोएंगे, ठीक है। यानी कि खाना कौन? फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम। ऐसे भी याद रखेंगे, फ्लो फ्लो फ्लो, इससे जो है आप फल से इसको कर लीजिए, है ना, फल से कर लीजिए। फल जो है वो खाने वाला होता है, तो पौधे जो है वो फ्लोएम के माध्यम से खाने वाली चीजें लेते हैं और जाइलम जल से जाइलम जल ढोने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, साइंस का 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, तो इसलिए साइंस और करंट अफेयर पर आप विशेष ध्यान देंगे 67वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि गाड़ियों से कौन सा गैस निकलता है, तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसको बोलते हैं, CO इसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इससे कैंसर होने का खतरा रहता है और सबसे बड़ा वायु प्रदूषक जो है यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग बात करें ना, ये भी प्रदूषक है, लेकिन ये क्या करता है कि हमारे वातावरण में टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, हमारे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं। जबकि अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन है मीथेन की, अगर हम लोग बात करें ना, तो मीथेन जो है ये गोबर गैस में होता है,
ठीक है, ये गोबर गैस में होता है, मीथेन होता है। साथ ही जो जंगलों में आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग जाती है, तो जंगलों में बांस ये सब के जो पौधे होते हैं वो आपस में ऐसे टकरते रहते हैं जिससे घर्षण होता है। तो घर्षण होने के फलस्वरूप जंगल में जो कीचड़ ये सब होता है, सड़ी गली चीजें होती हैं नीचे जो होता है, उससे ये गैस उत्सर्जित होता है, मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। और जब पौधे जो है आपस में घर्षण करते हैं तो उससे जब चिंगारी निकलती है तो इसी में आग लग जाता है, और जंगल में आग लग जाता है, मीथेन ज्वलनशील गैस होता है, इसमें आग लग जाता है। साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो खान होते हैं, खान माइंस जो होते हैं, माइंस में आग लग जाता है, क्या कारण है? तो माइंस के अंदर यही मीथेन गैस होता है और यह संपर्क में आ जाता है। एक चीज याद रखना है कि कोई भी चीज अगर जलती है, कोई भी चीज अगर जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो माइंस के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होता है, तब तक ये नहीं जल रहा है, ठीक है, नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही ये मीथेन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऊपर आता है, तैसे ही इसमें बहुत ही विस्फोट, अगर थोड़ा सा भी उसको घर्षण से चीजें अगर मिली, ठीक है, तो वो तुरंत से उसमें आग लग जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किन गैसों की उपस्थिति में माइंस में आग लग जाते हैं, खानों में आग लग जाती है, तो यही हो गया मीथेन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें ओजोन गैस की, ठीक है, इसके अलावा हम लोग ओजोन गैस की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन जो गैस है ये हमारे लेयर में है, ऊपर जो वायुमंडल का एक लेयर है यही है, और ओजोन जो है वो हमें रक्षा करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, ठीक है। ये हमें पराबैंगनी किरणें जिसको अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है, जो सूर्य से निकल करके आती हैं, उनको एक तरह से ये छन्नी के रूप में काम करता है और ऊपर से आने वाली विकिरण को यहीं पे ये रोक लेता है, और इसके बाद जो बची हुई चीजें होती हैं वो हमारे पास आती हैं। तो समझिए कि यहां पे ये छन्नी की तरह काम कर लेता है, थोड़ा सा आने देता है पृथ्वी तक तो हम लोगों को इतना गर्मी लगती है, और अगर ये लेयर ही हट जाए, ये लेयर ही हट जाए तो पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट रे जो है वो पृथ्वी तक आ जाएगा, और इससे चर्म रोग होता है, ठीक है, चर्म रोग होता है मानव में। तो अगर ये पृथ्वी तक डायरेक्ट आ जाए, और साथ ही साथ इसकी अनुपस्थिति के कारण कहीं कहीं हमने देखा है कि इसमें होल भी हो गया है, छिद्र भी हो गया है, तो इसके कारण अम्ल वर्षा होती है, जैसे एक बार ताजमहल पर भी हो गया था, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण है, इसको जो नुकसान कर रहा है वो कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC इसको बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही। और ये CFC जो गैस है ये आप इस्तेमाल करते हैं AC, फ्रिज, इन सब से उत्सर्जित होता है ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, और यही सब जो है वो ओजोन को हानि पहुंचाते हैं, और ओजोन में कहीं कहीं पे छिद्र हो गया है। और अगर आप सोच लीजिए कि अगर ये जो हमारा ध्रुव है ये पृथ्वी है, और ओजोन जो है, ओजोन का छिद्र यहां पर हो गया, और ध्रुव हमें पता है कि इधर इधर जो है वो काफी ठंड है, सब बर्फीला है, और यहीं पर अगर छिद्र हो गया तो यहाँ पे तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सब ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पूरा पृथ्वी ही डूब जाएगा, है ना। तो इसीलिए वैश्विक सम्मेलन इसको होता है, इसको लेकर के होता है कि कैसे भी हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब के उत्सर्जन पे रोक लगानी है। चलिए चलते हैं आगे, लाइक करते जाइएगा आप लोग वीडियो को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में, ठीक है, मतलब ये कि जो शीशे के संचयन वाला जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल यूज में लाया जाता है? देख लीजिए, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। और शीशा संचयक सेल में हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन कहां जमा होता है? कैथोड पर, ठीक है, और ऑक्सीजन जमा होता है किसके ऊपर? एनोड पर जमा होता है, ठीक है, एनोड पर जमा होता है।
तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सा है। कोई भी गैस है, उस गैस को अगर लिक्विड में बदल देना है तो सबसे आसान सा तरीका कौन सा है। कम तापमान और उच्च दाब, उच्च तापमान और कम दाब, कम तापमान और कम दाब, उच्च तापमान और उच्च दाब, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये आप लोग डेली देखते होंगे अपने घर में, है ना, डेली अपने घर में देखते होंगे। देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, कम तापमान और उच्च दाब। आप अपने घर में, आपके पास एलपीजी का सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में आपने देखा होगा कि जब हम लोग सिलेंडर को खोल करके और यहां पर चूल्हे पर लेकर के आते हैं, चूल्हे को खोलते हैं यहां, तो यहां पे हम लोगों को क्या लिक्विड दिखाई देता है? नहीं, ये गैस के फॉर्म में निकलता है और होता भी है गैस ही, ठीक है, गैस ही होता है। धीरे धीरे जब निकलता है तो इसमें हम लोग आग ऐसे जलाते हैं तो आग जलती है ना, गैस के फॉर्म में निकलता है, लिक्विड नहीं निकलता है। ये एक्चुअली में जो सिलेंडर होता है इसमें गैस ही भरा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा दाब हो जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि प्रेशर के कारण ये जो गैस होता है ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, यही गैस लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। तो उच्च दाब के कारण लिक्विड जो है गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान भी कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन कारण प्रदूषण होने का कारक है। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है CO2 और SO2 का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और CO का बनना, केवल SO2 का बनना, SO2 और CO का बनना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, एक, और डाई का मतलब होता है दो, तो CO यहां पे ऑक्सीजन का एक अणु है, ठीक है, और यहां पे दो है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। हमें पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 जो होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, तो जब आप जीवाश्म को जलाते हैं, जब आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, ठीक है, जब आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को आप जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित होता है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं बाबू? जीवाश्म कहने का मतलब ये हुआ, जीवाश्म कहने का मतलब हुआ जीव, आश्म मतलब कि जीवों के अंश से जो ईंधन बना है, जीवों के अंश से जो ईंधन बना है उसी को जीवाश्म कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कोयला, ठीक है, कोयला हो गया, साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम जो है वो जीवों के अंश से सड़े गले चीजों से अंदर दबा हुआ था, ठीक है, और उसी से ये बना है, तो इसको हम लोग इन सबको क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। तो पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, ये सब जो हो गया, गाड़ियां किससे चलती है? पेट्रोलियम पदार्थ से ही चलती है, यानी कि वो कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का ये मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। ताजमहल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? मोहम्मद हुसैन, अहमद लाहौरी, शाह अब्बास, इस्माइल, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोगों को बताना है। आगरा में हमें पता है कि ये जमुना नदी के तट पर इसका निर्माण शाहजहां की देखरेख में करवाया गया था, और अहमद लाहौरी, ठीक है, ऑप्शन बी जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसके देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, शाहजहां जी ने तो बनवाया था, लेकिन किसकी देखरेख में यह बनवाया गया था, तो उस्ताद ईसा खां उनका नाम था, ठीक है, उस्ताद
उस्ताद ईसा खां, ठीक है, उस्ताद ईसा खां के देखरेख में यह बनवाया गया था, ठीक है, देखरेख में यह बनवाया गया, उस्ताद ईसा खां के देखरेख में यह बनवाया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था कब स्थापित किया गया? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की मूल संस्था कब स्थापित हुई थी बताइए? 2 टाइप के यहां से क्वेश्चन पूछते हैं बाबू, देखिए इसका तो सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 1996 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1996 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था का स्थापना हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई, ठीक है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई, मूल संस्था तो ठीक है लेकिन बाद में पूर्ण रूप से इसको यूपीएससी किया गया, एक पूछा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, तो यूपीएससी की स्थापना ली आयोग, ठीक है, ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी, और कब की गई थी बाबू लोग, तो ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना, हां, अनुच्छेद 308 से 323 क तक उपबंधित इसके बारे में किया गया है, ठीक है। तो आईसीएस पहले इसका जो नाम था, अभी जो आईएएस है, पहले इसका नाम था आईसीएस, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले जब अंग्रेज भी थे तो इसका नाम आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज नाम था, और इसके बाद फिर आईएएस किया गया, इसके बाद इसको फिर आईएएस कर दिया गया, कब किया गया, आईसीएस से आईएएस, इसको आईएएस कब किया गया, 1948 में, ठीक है, 1948 में किया गया जब भारत आजाद हो गया था तब, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला है, गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है बताइए? देखिए इसका सही आंसर का गूगल करंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेल की स्थापना कब हुई थी, सेल की स्थापना कब हुई थी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, और भेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, BHAIL, भेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और सेल के तहत बहुत सारी कंपनियां लगाई गई हैं, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, इन सब में लगाया गया है स्टील प्लांट। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर बताइए? इसका सही आंसर होगा मेघालय में, ठीक है, मेघालय। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 देखिए इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 19 ए, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता माना है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है बताइए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? थोड़ा सा लाइक शेयर करते जाइए वीडियो को आप लोग। देखिए इसका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया था, लोकपाल के पद का सृजन, प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, भारत में लोकपाल के पद का सृजन प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर किया गया था, ठीक है, और यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, राष्ट्रपति।
मनोनीत करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो कर रहे हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है और ये राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ये भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसपे मौर्य, है ना, मौर्य शासन की राजनीतिक व्यवस्था, है ना, राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। कभी कभी ये क्वेश्चन शायद 64वीं या 63वीं बीपीएससी में पूछा था कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस पे आधारित है, तो राजनीतिक व्यवस्था है और बहुत लोग अर्थ अर्थव्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य राजनीति के बारे में हम लोगों को इससे जानकारी मिलती है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष से 5 वर्ष, पहले जो है वो लोकसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए होता था, आगे चल करके उसको 5 साल कर दिया गया बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू लोग, तो ये हुआ था 1978 ईस्वी में, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था और इसी के तहत 6 वर्ष से 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया था, ठीक है। देखिए यहां पे एक 45वां है, 45वां संविधान संशोधन ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1980 ईस्वी में, ठीक है, ये 1980 ईस्वी में किया गया था और इसके द्वारा लोकसभा और राज्य में, राज्य के जो विधानसभा होते हैं दोनों में क्या किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, मतलब कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सीटें कितनी आरक्षित होंगी, ठीक है, आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई थी, आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई थी आरक्षण में, ठीक है। और 61वां जो संविधान संशोधन है, 61वें संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें कि भाई 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था और 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की जो उम्र है वो 21 से 28 कर दिया गया था, है ना, मतदान का जो उम्र है वो 21 से घटा करके कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। जबकि एक यहां पर 42वां संविधान संशोधन भी है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, नहीं सॉरी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 से 5 कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताइए आप लोग। देखिए इसका सही आंसर होगा मंसूर, ठीक है, मंसूर मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे है, कौन सा पादशाह नामा का लेखक नहीं था, इनमें से कौन पादशाह नामा के लेखक नहीं थे,
इसके इस बुक में शाहजहां के 20 साल के इतिहास का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित इस कृति, अच्छा कौन पातशाह नामक का लेखक नहीं था है? एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ठीक है, थे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय है जो बिहार में फेमस था, लोकप्रिय था, बताइए। फिरदौसी, चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर होगा फिरदौसी। ठीक है, ऑप्शन ए फिरदौसी। फिरदौसी सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था और फिरदौसी सिलसिले के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे मखदूम सरफुद्दीन मनेरी। ठीक है, मखदूम सरफुद्दीन मनेरी। ठीक है, इनका जन्म मनेर में 1920 में हुआ था। जन्म 1920 में हुआ था, मनेर में हुआ था। आगे चलते हैं, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए इसका सही आंसर होगा औरंगजेब के समय में, ऑप्शन डी औरंगजेब के समय में। देखिए आईने अकबरी में, आईने अकबरी जो पुस्तक है, इस आईने अकबरी पुस्तक में 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये मनसबदारी जो व्यवस्था है ना, मनसबदारी जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था शुरू किसने किया था, किस सम्राट ने, किस राजा ने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, ये अकबर के द्वारा 1574 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, 1574 ईस्वी में शुरू किया गया था। और मनसबदारी प्रथा मंगोल के सैन्य प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। याद रखिएगा कि ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अब देखिए कई लोग जीरो कर देते हैं, जीरो और दशमलव में अंतर होता है, जीरो प्रणाली कहीं कहीं पे ऑप्शन में होता है तो जीरो प्रणाली कर देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मनसबदार दारा सिकोह थे, ये याद रखिएगा। अगला है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? देख लीजिए, शंकराचार्य को, निम्बकाचार्य को, रामानुजाचार्य को, माधवाचार्य को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर होगा, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा होगा रामानुजाचार्य को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? चंगेज खान के भारत पर आक्रमण का खतरा था, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का भारत पर आक्रमण का खतरा था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ध्रुव, गोविंद द्वितीय, दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा कृष्ण प्रथम। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? सबसे पहले भारत में इनमें से कौन आया, ये पूछा जा रहा है सर्वप्रथम। इन विकल्पों में सिर्फ बताना है, ठीक है, इन विकल्पों में। देखिए थोड़ा सा इन सब का मैं डेट भी लिख दूंगा। देखिए इसका सही आंसर होगा फाहियान। ठीक है, फाहियान की अगर हम लोग बात करें तो फाहियान कब आया भारत में? फाहियान ये 399 से 414 तक रहा था, 399 से 414 तक ये रहा था। ठीक है, फाहियान रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
यहां पर वेन संग है, ठीक है, पायान और वेन संग में काफी ज्यादा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। तो वेन संग की अगर हम लोग बात करें तो वेन संग आया था 629 में, 629 में ये आया था और 44 तक रहा था, ठीक है, 644 तक ये रहा था। इसके बाद यहां पर है इब्न बतूता, इब्न बतूता की बात करें तो 1333 में ये आया था, ठीक है। इब्न बतूता कब आया था, ये आया था 1333 ईस्वी में आया था, ठीक है, 1333 ईस्वी में आया था और 1344 तक रहा था, ठीक है, ये भी 44 तक, ये भी 44, ठीक है, 1344, लेकिन ये 644। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो की बात की जाए तो मार्को पोलो 13वीं सदी में आया था, ठीक है, 13वीं सदी में मार्को पोलो आया था। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को। हाँ, फाहियान अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके समय में आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था ये, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और वेन संग जो आया था ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में ये भारत में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुड आफ्टरनून, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप, क्वेश्चन नंबर 25, नाम से पता चल गया होगा आप लोगों को। देखिए इसका सेंसर होगा बाल मजदूरी रोकने के लिए, ठीक है, बाल मजदूरी को रोकने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी। हमें पता है कि 1905 ईस्वी में ये कर्जन के द्वारा किया गया था, है ना, बंगाल का विभाजन किया गया था, किस कारण से किया गया था। अब ये ऑफिशियली पूछा जा रहा है क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने मनसा तो इनकी कुछ और थी, लेकिन मनसा कुछ और थी, लेकिन इन्होंने क्यों विघटित किया, क्यों इसका विभाजन किया, इन्होंने जो बताया कि हम लोग भाई इसके लिए इसका विभाजन कर रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी, ठीक है। मनसा जो है इनकी थी ये कि ये प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं, हम प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रांत हो जा रहा है बंगाल, इसलिए हम इसको अलग अलग करके और छोटे छोटे छोटा प्रांत बना करके और इसमें अच्छे ढंग से प्रशासन चलाना चाहते हैं। लेकिन इनके पीछे जो मनसा थी, ठीक है, इनके पीछे पीछे की जो मनसा थी वो थी एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना, ठीक है, एक मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम को अलग करना ये चाहते थे, ताकि विभाजन अगर हो जाएगा तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। और मुसलमानों को ये पहले जाकर के कह चुके थे कि देखो भाई बंगाल पर मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हिंदू शासक जो है वो आगे चल करके और शासन करे, इसलिए मैं तुम लोगों को अलग दे दे रहा हूं कि अलग तुम लोग हो जाओगे तो होगा क्या कि तुम ही में से कोई राजा या प्रशासक शासक जो भी होगा वो बनेगा। तो मुसलमान भी इनके ओर आ गए कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसी क्रम में एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी नहीं थी, बहुत कम लोग थे, नहीं के बराबर थे, क्योंकि अंग्रेज लोग उनके कान में जाकर के पहले ही फूंक दिया था कि हम आप ही लोगों के लिए तो अलग प्रांत बना रहे हैं, ठीक है, आपके प्रशासन के लिए, आपके शासन के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 19 जुलाई को घोषणा की गई थी, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा 19 जुलाई को की गई थी, 19 जुलाई को घोषणा की गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर को किया गया था, विभाजन जो है, विभाजन 16 अक्टूबर को किया गया, ठीक है, 16 अक्टूबर को किया गया था, बिल्कुल। दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है, कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इसका सही आंसर होगा तमिल भाषा। थोड़ा सा फास्ट करता हूं, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां स्थित है, तो देखिए ये है ग्वालियर में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है, किस भाग में है,
देखिए इसका सेंस होगा क्वीन मैरीलैंड, ठीक है, क्वीन मैरीलैंड में। यहां भारत के तीन अस्थाई केंद्र खोले गए हैं, ठीक है, तीन अस्थाई केंद्र खोले गए हैं। प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आयर्न रॉक किस देश में स्थित है? आयर्न रॉक कहां है ये? क्वेश्चन नंबर 30, देखिए इसका सेंस होगा ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है, याद रखिएगा, लिली का देश, लिली का देश कनाडा को कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्वे की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन, ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य का देश। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है, बताइए? देखिए इसका सही आंसर होगा जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा ये जोड़ता है। अब यहाँ पे एक है नाथुला, नाथुला से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ है भाई, तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को ये जोड़ता है, भारत चीन को ये नाथुला दर्रा, भारत और चीन को ये जोड़ता है नाथुला दर्रा, ठीक है। बारा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बारामूला की अगर बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सिपकिल्ला ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, तैराकी की किस स्पर्धा में तैनात की गति सर्वाधिक होती है, बताइए? क्वेश्चन नंबर 32, तैनात नहीं तैराक, तैराक करेक्ट कर लीजिए इसको, तैराक की गति सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर होगा फ्री स्टाइल, ठीक है, फ्री स्टाइल। अगला प्रश्न है, अरद और कारमेल नामक राइफल को भारत में निम्न में निर्मित किया जाएगा, ये राइफल किस देश से संबंधित है? अरद और कारमेल, क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, देखिए इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है ये राइटर्स बिल्डिंग, और इसका निर्माण 1777 में किया गया था, 1777 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? थोड़ा सा अगर आप लोग शेयर कर देंगे ना तो और भी लोग आ जाएंगे, बहुत कम लोग लाइव हैं, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। लाइक और शेयर बहुत कम आया है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली अब टेस्ट आएगा, 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा, तो थोड़ा सा आपको शेयर तो करना चाहिए इसको, है ना, लाइक और शेयर। देखिए इसका सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी, दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में है, है ना, ये कहाँ है, ये गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में है। और नर्मदा नदी ये दक्षिण भारत की नदी है, नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में भी ये बहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी ये बहती है। और माही नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता, नोबेल शांति पुरस्कार इनको कब मिला? में। अगला है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, है ना, आरबीसी जो रक्त शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, और इसमें लगभग 60% प्लाज्मा होता है, 60%
प्लाज्मा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी का क्या काम होता है ना, तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन को ढोना, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है बताइए, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है। चलिए इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में, है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है पोबा, क्वेश्चन नंबर 39। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। कोहरा बनाता है जब, कोहरा कोहरा है ना, कोहरा कब बनता है, देखिए इसका सही आंसर होगा सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है। कहां की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है, कहां की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है, देखिए इसका सही आंसर होगा ब्राजील, ठीक है ब्राजील। राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री हैं बताइए, 42। इसका सही आंसर होगा नरगिस दत्त, ठीक है ऑप्शन बी नरगिस दत्त। वंदे मातरम के प्रथम संपादक, वंदे मातरम के प्रथम संपादक ये आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ठीक है आनंद मठ, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है, और 1882 ईस्वी में इसको लिया गया था, 1882 ईस्वी में। तो कहा जा रहा है कि प्रथम संपादक कौन है, तो अरविंद घोष, ठीक है अरविंद घोष इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह क्वेश्चन है कब मनाया जाता है, देखिए इसका सही आंसर होगा 5 जून को। भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को इसके बाद आंसर बताइए, क्या इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। अकबर, सर टॉमस रो, ये सही नहीं है, ठीक है सर टॉमस रो के दरबार में, सॉरी अकबर के दरबार में क्या ये आया था, नहीं आया था, ठीक है क्योंकि हमें पता है कि 1600 ईस्वी में, ठीक है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक थे, अकबर थे भारत में, लेकिन जब अंग्रेज यहां पर आए थे उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है अकबर मर गए थे और उसके बाद जो है दूसरे शासक आ गए थे। तो जहांगीर विलियम हॉकिंस ये बिल्कुल ठीक है, शाहजहां ट्रेवर्नियस ये भी बिल्कुल ठीक है, औरंगजेब मनुची ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था, ठीक है टॉमस रो ये 1615 ईस्वी में आया था। अब क्वेश्चन बनता है कि ये किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में ही आया था, ठीक है ये जहांगीर के दरबार में आया था बाबू लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न ये रहा अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, दीवान, मीरबख्शी, मीर रमन, अब्दुल फजल, देखिए इसका सही आंसर होगा मीरबख्शी। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे, जो चांदी का सिक्का होता था, गुप्तों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उसको क्या कहा जाता था, रुपया का करसापन, दिनार, पन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, देखिए इसका सही आंसर होगा रुपया का, ठीक है ऑप्शन ए रुपया का। हाँ मौर्य काल में पन कहा जाता था, पन जो है वो मौर्य काल में कहा जाता था बाबू लोग, चांदी के सिक्के को पन किस काल में, मौर्य काल में कहा जाता था, और दिनार गुप्त काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था, ठीक है गुप्त काल में किसको कहा जाता था, सोने के जो सिक्के होते थे, ठीक है सोने के सिक्के को कहा जाता था, और रूप दर्शक मुद्रा का निरीक्षक कहलाता था,
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेंगे हिंदुस्तान की, बताइए किसने कहा था? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, हमें पता है कि 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही थे और यही कहा था इन्होंने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहले अच्छे से देख लीजिए इसके बाद आंसर कीजिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसका सही आंसर होगा गदर पार्टी वासुदेव फड़के। ठीक है, गदर पार्टी वासुदेव फड़के, गदर पार्टी ये सही नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा, है ना, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम इसके जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे, सोहन सिंह भाखना थे, सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, सोहन सिंह भाखना थे। चलते हैं आगे, इनका देखिए ये दक्कन दंगे से इनका संबंध रहा है, वासुदेव फड़के जो है इनका संबंध रहा है दक्कन दंगे से। ठीक है, दक्कन दंगे से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है, फॉन्ट अच्छे से नहीं दिख रहा आप लोगों को, कल से बैकग्राउंड चेंज करूंगा, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को, कल से आप लोगों को अच्छा फॉन्ट दिखेगा। एक मिनट में थोड़ा सा ट्राई करता हूं। चलिए इसका सही आंसर होगा केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, बताइए। अच्छा हरा करें, ठीक है ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? देखिए इसका सेंसर होगा हवाई द्वीप को। ठीक है, हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर, जैसा कि आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसका संबंध सॉरी इसमें सबसे बड़ा सबसे जो गहरा गर्त है जिसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, है ना, मेरियाना गर्त इसी में है और इसका आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है ये प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए इसमें 2000 से अधिक द्वीप हैं, 2000 से भी ज्यादा इसमें द्वीप हैं। अगला है, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहां होता है, सूर्य कहां होता है? ऑप्शन ए है ना, इंद्रधनुष कहां बनता है बाबू लोग, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के उल्टा, है ना, सूर्य अगर पूरब में है तो पश्चिम में इंद्रधनुष दिखेगा, है ना, सूर्य की किरणों से ही बनता है। तो हम लोग अगर ऐसे देखेंगे तो हमारे पीठ पीछे ही इधर ही रहेगा सूर्य, है ना। टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, गैंग्रीन, कुकुर खांसी, सिंगल, लॉकजा, 55 ऑप्शन डी लॉकजा। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन सी मैगट। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है, बुल्स आई
ऑप्शन डी निशानेबाजी से। इसके बाद है स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, स्थगन प्रस्ताव सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामलों पर अत्यधिक आकर्षित करना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है राज्य के बारे में, ठीक है, कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा राज्यपाल में, ठीक है, राज्यपाल में। किस राज्य में उनके उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा है, ठीक है, कुल जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में, ठीक है, बिहार में। बिहार राज्य का कुल जनसंख्या का लगभग 58% सिर्फ यहां पर युवा है, ठीक है, 58% युवा है। जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसी में लिखा हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, उसको क्या कहा जाता है, इक्विनोक्स, जियोडेसी, सूर्य ग्रहण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सेंसर होगा, इसको बोला जाता है इक्विनोक्स, है ना, इक्विनोक्स कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है, प्रत्येक पक्ष और टीम के खिलाड़ियों की संख्या, मतलब कि जैसे अलग अलग खिलाड़ी कहा जा रहा है कि किस पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं गेम से संबंधित, ठीक है। देखिए इसका सेंसर होगा कबड्डी 7, ठीक है, कबड्डी 7, कबड्डी में कितने होते हैं बाबू लोग, हाँ, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। आप लोग बताइए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं। हाँ मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन इसीलिए साइड होकर के पढ़ रहा हूं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को नजर आए, ठीक है, मैं साइड होकर के ही पढ़ रहा हूं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान, भूमध्य रेखा से यह है पृथ्वी, ठीक है, और यह है भूमध्य रेखा, तो कहा जा रहा है कि इधर से भूमध्य रेखा से हम यहां तक अगर आ जाए, ये पोल है ना, ये पोल है, तो जी ग्रेविटेशन जो है, जी का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। हमें पता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो ग्रेविटेशन का वैल्यू होता है, मान होता है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां पर लगता है, तो यहीं पर लगता है, पोल जिसको हम लोग बोलते हैं, पोल पर लगता है, ठीक है, और सबसे कम जो लगता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर लगता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापमान को 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, NaCl इसको कहा जाता है। बर्फ पिघलने के लिए, अगर मान लिया कि रास्ते ये सब में बर्फ होता है, कई बार सड़क ये सब पर बर्फ जमा हो जाते हैं, तो उसको पिघलाने के लिए हम उसमें नमक छिड़कते हैं, सोरा उस पर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 65। इसका सही आंसर होगा उष्मा छेपी, ठीक है, उष्मा छेपी। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, बताइए। इसका सही आंसर होगा बोन ब्लैक, ठीक है, बोन ब्लैक। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 67। इसका सही आंसर होगा हेम्प, ठीक है, हेम्प।
माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः बना होता है, जैसे ये माचिस का ये तिल्ली होता है, तो ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग ये किससे बनाया जाता है, जिसको हम लोग ऐसे रगड़ते हैं तो आग जलती है उसमें, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा लाल फॉस्फोरस का बना हुआ होता है, ठीक है, लाल फॉस्फोरस का। नेक्स्ट है, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित में से होती है, और लास्ट में कमेंट में आप लोग बताएंगे कि इन 150 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है। कोशिश ये कीजिएगा कि 150 में आप 120 सही करें, ठीक है, 150 में 120 आप सही करें। देखिए इसका आंसर होगा 1। निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है, फूल पत्ती जड़, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, है ना, सांस लेते हैं पत्तियां। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेवलेंथ से, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, वेवलेंथ के द्वारा। हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है किसका होता है बाबू लोग, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड का होता है, लाल कलर का होता है, इसीलिए क्योंकि ये दूर से ही हम लोगों को दिखाई देते हैं, इसीलिए रेलवे के सिग्नल या सिग्नल पे हमेशा जो है हर जगह सिग्नल पे लाल को ही दिखाया जाता है, क्योंकि दूर से ही हमें दिख जाती है, इसलिए दिखती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि का अपवर्तन। जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है, ठीक है, ये परिघटना क्या दर्शाती है, इसका आंसर होगा जड़त्व के गुण को, है ना। आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि ग्लास के नीचे आपने रख दिया होगा एक कागज, और इतना जोर से ऐसे खींचते हैं, इतना फास्ट खींचते हैं कि पानी गिरता नहीं है ग्लास से, और तो उसका मेन कारण है जड़त्व, इनर्शिया। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है, क्वेश्चन नंबर 74, गहराई व खारापन बढ़ता है, ठीक है, नहीं एक मिनट, ये नहीं होगा, समुद्र का पानी का घनत्व तो क्यों बढ़ता है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, गहराई कम होती है तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई कम होती है, जहां गहराई ज्यादा होगा, ज्यादा होते जाएगा तो कम होते जाएगा खारापन, घनत्व तो कम होते जाएगा, ठीक है। देखिए खारापन और घनत्व कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें पता है कि समुद्र में सोडियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, तो नमक जो है, नमक के कारण ही पानी खारा लगता है हम लोगों को, और जितना ज्यादा नमक की मात्रा बढ़ती जाती है उतना ही पानी का डेंसिटी घनत्व बढ़ते जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 75, पामीर के पठार को, ठीक है, पामीर क्षेत्र को। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर होगा बिहार उड़ीसा के पद से, बिहार उड़ीसा के क्षेत्र के ये गवर्नर पद पर थे ये, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी पद से नहीं, इन्होंने गवर्नर के पद से त्याग पत्र दे दिया था, जबकि एसपी सिन्हा, हाँ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, इन्होंने अच्छा एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जो गवर्नर पद पर आसीन हुआ था वो यही थे, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही जी थे। किस भारतीय खिलाड़ी को इस वर्ष की इंटरनेशनल लेंथ प्लेयर चुना गया है, क्वेश्चन नंबर 77, स्वीटी कुमारी, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये,
भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 78, छोटा नागपुर के पठार को, और यह है झारखंड में, है ना, यह झारखंड में है। इसके बाद है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? सिकंदर उस समय मगध का शासक कौन था जब इसने आक्रमण किया था? तो घनानंद, है ना, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। का सही आंसर होगा 19 महीने रहा था, ठीक है, 19 महीने तक रहा था। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया? क्वेश्चन नंबर 80, महाबलीपुरम में, ठीक है, महाबलीपुरम में। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81, का सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक गौरी को ही माना जाता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक ऐबक को माना जाता है। इसी ने 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था, ठीक है, 1206 से 10 तक। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? क्वेश्चन नंबर 82, अभी जस्ट मैंने बताया है, औरंगजेब में। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लाइक शेयर थोड़ा करते जाइए आप लोग। दिल्ली समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसी समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। विश्वसत मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 84, इसका सही आंसर होगा एरिस्टोटल या अरस्तु। संकोष जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? संकोष, क्वेश्चन नंबर 85, भारत भूटान। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन नंबर 86, हैदराबाद। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? 87, आयरलैंड से। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 88, अनुच्छेद 19 एक। अभी जस्ट इसी में करवाया है, अभी जस्ट इसी में एक्सप्लेन में भी बताया आप लोगों को, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? संविधान में अगर संशोधन करना है तो संसद में, है ना, संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके राष्ट्रपति, इसको संसद कहा जाता है, ठीक है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी सदन में, मतलब कहने का यह कि राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल का प्रवर्तन में रह सकता है? आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है, इमरजेंसी। इसका आंसर होगा इमरजेंसी 6 महीने तक लगाया जाता है, ठीक है। और वित्तीय आपात की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है, ठीक है, वित्तीय आपात ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है, ठीक है। देखिए, तीन प्रकार के आपात यहां पर लगते हैं, जैसे अगर बात करें तो एक तो 356 के तहत, 356 के तहत लगाया जाता है, और ये राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है, ये कैसा आपात होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। और दूसरा होता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपात होता है, एक होता है 356 होता है, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति आपात लगाता है, ठीक है, राष्ट्रपति कानून जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है 360, इसके तहत वित्तीय आपात की व्यवस्था है, वित्तीय आपात, ठीक है,
वित्तीय आपात की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था, बताइए। इसका आंसर होगा दहेज निषेध विधेयक, विधेयक विधेयक नहीं विधेयक 1961 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है, किसको? क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही आंसर होगा बिहार को। ठीक है, बिहार में, पहले भी बता चुका हूं। योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद की। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है, बताइए। बताइए 94, इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही आंसर होगा मुद्रा का विनियमन दर गिर जाती है, विनिमय दर। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, कागज की मुद्रा, पहले सिक्के चलाए जाते थे है ना, फिर कागज सबसे पहले कौन लेकर के आया, तो देखिए ऑप्शन सी चीन। और सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि कागज जो है वो सबसे पहले, चाहे मुद्रा की बात नहीं हो, कागज सबसे पहले चीन ही इंप्लीमेंट किया, चीन ही लेकर के आया, कागज की खोज चीन के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, मुद्रा रुपया दशमलव पद्धति पर आधारित है भारत में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयकर राज्य सरकार। क्या आयकर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, आयकर केंद्र सरकार लेती है ना, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है आयकर। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है, अप्रत्यक्ष कर, क्वेश्चन नंबर 98, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 99, लागत लाभ विश्लेषण, ऑप्शन ए लागत लाभ विश्लेषण। काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीके में निम्नलिखित में से कौन आयोग की नियुक्ति की गई थी, काला धन है ना, काले धन को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी, किस आयोग की नियुक्ति की गई थी, देखिए इसका आंसर होगा सह आयोग। सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियमन के लिए गठन किया है, क्वेश्चन नंबर 101, इंश्योरेंस नियम एवं विकास प्राधिकरण को। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 102, देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है, मतलब कि मान लिया कि एक ये ग्लास है, ठीक है, ये एक जार है और इसमें पानी है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो इस पानी के जार में पूर्ण रूप से डुबाया जाने वाला, मान लिया कि एक कोई चीज है और इसको पूर्ण रूप से इसको इसमें डुबा दिया गया, तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 103, इसका सेंस होगा ठोस वस्तु का घनत्व। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, ठीक है, अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए जहां पर तापमान बिल्कुल नीचे चला जाता है, किसान क्या करते हैं कि खेतों में पानी बिल्कुल भर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्या होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है ना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, ताकि बिल्कुल पाला ना मारे आपके खेत को, फसल बिल्कुल खत्म ना हो,
वो उसमें कुछ उष्मा होती है जो आपको बचा करके रखती है, आपके फसल को बचा करके रखती है। इसीलिए एक और मैं बता दे रहा हूं कि कहीं भी आप फंसे और एक और बर्फ ही बर्फ है सिर्फ, और एक और पानी है, ठीक है, तो आप बर्फ से ज्यादा बेटर फील करेंगे पानी में, ठीक है, इसलिए पानी में चल जाए कीजिए। एक ग्राम ईंधन को जलने से मुक्त उष्मा को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 105, उष्मीय मान, ठीक है, इसको उष्मीय मान कहा जाता है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है, मतलब कि पीछे का दृश्य ड्राइवर के बगल में जो लगा हुआ होता है ना, जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, यही पूछा जा रहा है। इसका सेंसर होगा उत्तल दर्पण। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, अभी जस्ट हमने किया तरंग दैर्ध्य से, रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है, सबसे खराब इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 108। तो देखिए इसका सेंसर होगा कार्बन, ठीक है, और इन सब में सबसे बेटर जो है वो है कॉपर, ठीक है, इसके बाद है एल्यूमिनियम और इसके बाद है आयरन, वैसे चांदी जो है वो सबसे बेहतर होता है चांदी। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताइए। लाइक शेयर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर होगा रासायनिक। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 110, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 111, इसका सेंसर होगा परमाणु। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है, मेंडेलिव, मोस्ले, रदरफोर्ड, ग्राम्बेल, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसका सेंसर होगा मोस्ले, ठीक है, मोस्ले। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, बताइए। इज़ोटोप्स को ट्रिटियम। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है, क्वेश्चन नंबर 114, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। रस्ट की रासायनिक संरचना लगभग है, रस्ट की रासायनिक संरचना, जंग जिसको बोलते हैं, 2FeO3, 3H2O, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है 117, इसका सेंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का, चूने का जो पानी होता है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं, खाद्य इकाई को कैलोरी में, है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि कितना कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, 100 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत इनमें से कौन है, 119, हाँ गाजर, ठीक है, गाजर होगा, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, और जैसा कि आपको पता है कि इसमें कैरोटीन होता है, कैरोटीन होता है, ठीक है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? एक जलवाहित रोग है, गलत टाइपिंग हो गया है, दस्त है ना, दस्त जिसको पेचिस भी कहा जाता है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व, घटते हुए क्रम में बताना है आपको कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, बताइए। देखिए इसका सेंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, गंधक, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? क्वेश्चन नंबर 122, चीड़ का वृक्ष, ठीक है, चीड़ का वृक्ष। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, 123, प्रकाश का अवशोषण। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? 124, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? 125, जहांगीर, है ना। मैंने बताया था ना इसको, इसके बारे में आप लोगों को बताया था, मुगल पेंटिंग जो है अकबर के समय में, लेकिन सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जहांगीर के समय में ये चरमोत्कर्ष पर रहा था, ठीक है, मुगल पेंटिंग। हाँ, जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ भी थे। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 126, यह हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 127, का सेंसर का टप्पा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं है? इनमें से कौन सितार वादक से नहीं जुड़े हैं? 128, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये सरोद वादक, सरोद वादक हैं ये, सरोद। इसके बाद है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? अनालेक्टस, इसका सेंसर होगा कन्फ्यूशियस। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं, बताइए। दिमाग उड़ जा रहा है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा 131 का ऑप्शन डी, आईआईटी रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, बताइए। निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? 133, इसका सेंसर होगा तरुण कुमार चावला, तरुण कुमार चावला। भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? 134, अमेरिका, है ना, अमेरिका। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? 135, केरल, ये गलत हो गया यहां पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास किया है? 136, देखिए तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा था इंदौर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, या तो लखनऊ होगा, कानपुर, हमीरपुर,
लखनऊ इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य चार से बढ़कर कितने हो गए हैं? 137, छह सदस्य। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? 138, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है बताइए। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, देखिए इसका सही आंसर होगा भारत। यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? 140, 746 मिलियन यूरो। पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? 141, दो मेडल। भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? 142, का सही आंसर होगा चीनी सेना, भारत और चीनी सेना। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 143, का सही आंसर होगा हृदय प्रत्यारोपण दिवस। इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? 144, संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? 145, ऑप्शन बी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? 146, हरियाणा। RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? 147, नीति आयोग। इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? 148, लोकसभा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? 149, आठवां। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली है? 150, पांचवी। ठीक है, तो ये था 150 क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट भी कराना पड़ता है क्योंकि 150 क्वेश्चन होता है और डेली 11 बजे ये होगा। आप लोग डेली 11 बजे सुबह 11 बजे आ जाया कीजिए, ठीक है, और डेली टेस्ट दीजिए। अब की बार टारगेट 120 करना है हम लोगों को, और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी में बहुत सारे क्लासेस में लेकर के आ रहा हूँ, फ्री क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, और भी बहुत सारे एजुकेटर मिल रहे हैं यहाँ पे भी, फुल लेंथ टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज ये सब लेकर के आ रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके और आपको लॉग इन कर लेना है। एक कोड पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, एक कोड पूछा जाएगा लॉग इन करने के बाद कि फ्री क्लास करने के लिए भी, तो उस कोड में आपको डाल देना है ABH10 Live। ठीक है, याद रखिएगा, कोड लिख लीजिए ABH10 Live। ठीक है, ABH10 Live ये अगर लिखिएगा कोड में, कॉपी पर लिख लीजिए आप लोग, ये लिखेंगे आप लोग कोड में तो बिल्कुल फ्री में, या फिर ABH10 भी लिखेंगे तो बिल्कुल फ्री में क्लास अनलॉक हो जाएगा। तो शाम को 5 बजे ABH10 भी अगर लिखेंगे तो क्लास अनलॉक हो जाएगा। शाम को 5 बजे इन टॉपिक से महत्वपूर्ण MCQs लेकर के आता हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ अनअकैडमी पे। करंट अफेयर जो सबसे ज्यादा आपको BPSC एग्जाम में फंसाता है, जनरल साइंस, बिहार करंट अफेयर, बिहार जीके, इससे संबंधित MCQs के फॉर्मेट में 5 बजे आता है, तो आप लोग जरूर आइए। और टोटल 75 क्वेश्चन इसमें कराता हूँ, और शाम 7 बजे भी बिल्कुल फ्री में आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट देता हूँ। तो शाम 7 बजे इस क्लास में भी आप लोग जरूर आइए, बस कोड याद रखिएगा, कोड चिपका दीजिएगा ABH10, ठीक है,
ABH 10 चिपका दीजिएगा तो बिल्कुल फ्री में क्लास अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। या ABH 10 लाइव भी लिखिएगा तो ABH 10 लाइव ये भी अगर लिखेंगे तो बिल्कुल फ्री में क्लास अनलॉक हो जाएगा। तो अभी जाइए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और मिलते हैं फिर, ठीक है। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।